हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PVR स्टडी पर। दोस्तों, जो आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास में आपको अलंकार पढ़ाया जा रहा है, और कल तक जो आपको अलंकार पढ़ाया गया था, अर्थालंकार तक पढ़ाया गया था, अर्थालंकार की परिभाषाएँ को बताई गई थी, उसके कुछ भाग बताए गए थे। आज उन्हीं भागों का हम विस्तृत वर्णन करते हैं, उदाहरण सहित समझते हैं। दोस्तों, जो अलंकार आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, बहुत उसका कण कण आपको तोड़ करके पढ़ाया जा रहा है कि आपको कभी भी अलंकार की परिभाषा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एग्ज़ाम्पल देख करके, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही, ऐसी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जैसा कि शुरुआत में आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था कि अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, और अर्थालंकार में अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, यानी कि काव्य अर्थ के माध्यम से चमत्कारी ढंग से रोचक हो जाता है। और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों की विशेषता होती है, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से उभयालंकार बनते हैं। तो अर्थालंकार में आपको पढ़ाया गया था कि जहाँ पर अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, यानी कि अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अर्थालंकार कई प्रकार से होते हैं, उसके कई भाग होते हैं, परंतु उन समस्त भागों का, उन समस्त प्रकारों का वर्णन न करते हुए कुछ खास जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रकारों का वर्णन करेंगे, और उन्हीं प्रकारों को आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे पुटअप होते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। अर्थालंकार में दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि अर्थालंकार कई प्रकार से होते हैं, कई भाग होते हैं। जैसा कि पहली, अगर अर्थालंकार के भाग की बात की जाए, पहला प्रकार उसका वर्णन किया जाए, तो पहला जो भाग होता है, पहला जो प्रकार होता है, वह उपमा अलंकार होता है दोस्तों। और उपमा में मैंने आपको बताया था कि जब एक की तुलना दूसरे से तुलना की जाती है, उपमा अलंकार कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, और उपमा अलंकार में मैंने आपको बताया था कि जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार की बात होती है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सदैव वाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप उन्हीं शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। बिना परिभाषा रटे, बिना पेन उठाए, आप बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं, सेकंडों में बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उन वाचक शब्दों को मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि जैसे सी सा सम सरिस ज्यों जैसा है, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो आपके उपमा अलंकार की विशेषता को बताते हैं। तो वहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो उपमा अलंकार होता है। और दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर अर्थालंकार का भाग होता है रूपक अलंकार, तीसरे नंबर पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर उसके बाद विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विरोधाभास अलंकार। तो इस प्रकार अलंकार जो हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार। पहले मैं आपको इन अलंकारों से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर उनकी परिभाषाएं और उसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। रूपक अलंकार में क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का विरोध होता है, मतलब आरोप साबित होता है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप साबित होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। विभावना अलंकार में जहाँ बिना किसी कारण के कार्य किया जाता है, जहाँ बिना किसी कारण के कार्य होता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, जब किसी बात को, छोटी सी बात को, जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं ना, क्यों यार इतना चढ़ा रहे हो, क्यों इतनी झूठी तारीफ कर रहे हो, क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो, तो वहाँ पर जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है दोस्तों, कि
एक कथन से मिलता जुलता है, दूसरा कथन जब व्यक्त किया जाता है, यानी कि एक वस्तु से मिलती जुलती, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो, किसी वस्तु को खरीदने जाते हो, तो आप कहते हो मुझे सेम ऐसे ही चाहिए, सेम बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप सेम शब्द इस्तेमाल करते हो, यानी कि एक कथन से मिलता जुलता किसी दूसरे कथन का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है दोस्तों। और भ्रांतिमान में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, संदेह अलंकार में उपमान और उपमेय में समता के कारण संदेह हो जाता है, और विरोधाभास में क्या होता है दोस्तों, विरोधाभास में विरोध की संभावना होता है लेकिन विरोध नहीं होता, ठीक है। विरोध की संभावना बनी रहती है परंतु विरोध नहीं होता। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में कश्मीर से जैसे 70 हटा था, तो विरोध का आभास होने के कारण संपूर्ण देश में जो है भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने क्या किया था, हाई अलर्ट जारी कर दिया था कि कहीं विरोध ना होने पाए। तो हाई अलर्ट जारी करने के कारण जो है दंगे फसाद ना हुए। तो उसी तरीके से यहाँ विरोधाभास में क्या होता है कि विरोध का आभास होता है परंतु विरोध नहीं होता है। तो ये सारे अलंकारें बहुत सिंपल तरीके से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ बहुत अच्छे ढंग से, इनके ट्रिक आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे इनको समझा जाता है, कैसे आप इनको बिना इनकी परिभाषा को रटे हुए, बिना पेन उठाए एग्ज़ाम में आप कैसे सेकेंडों में इनके एग्ज़ाम्पल को बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं उपमा अलंकार की, आपको कल ही पढ़ा दिया गया था, इसमें वाचक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सरिस ज्यों जैसा इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आपको कल ही मैंने बता दिया था एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मोम सातन धुल चुका, दीप सातन जल चुका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उपमा अलंकार की बात होती है दोस्तों। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप, दोस्तों बात करते हैं रूपक अलंकार की, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ उपमेय तथा उपमान में आरोप सिद्ध होता है, उपमेय और उपमान में जहाँ पर आरोप की बात की जाती है, आरोप की सिद्ध होता है, आरोप साबित होता है, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखा जाए, अंबर पनघट में डुबो रही ऊषा घट तारा नागरी, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अंबर पनघट और यहाँ पर तारा नगरी, घट तारा नगरी के बीच में आरोप सिद्ध हो रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रहे ऊषा घट तारा नगरी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे इस एग्जाम्पल को बिना डिफिनीशन, परिभाषा को बिना रटे हुए, याद किए हुए हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे बात इसको एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि कहा था कि आपको बहुत रोचक ढंग से पढ़ाऊँगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, जो साइंस के बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको याद नहीं होती, बहुत कठिनाई होती उनको पढ़ने में रटने में, और वो हमेशा इस चीज़ से दूर भागते हैं और उसको इस रोचक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो हमेशा बात करते हैं कि कैसे आप इसको जो है रोचक ढंग से पढ़ेंगे, कैसे आपको याद होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि रूपक अलंकार की बात की जाए, तो दोस्तों रूपक अलंकार में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा, हमेशा याद रखिएगा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दो शब्दों में देखिएगा, जैसे अंबर और पनघट के बीच में, यहाँ पर देखिएगा अंबर और पनघट के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर घट और तारा के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा फिर से एक बार याद रखिएगा, जहाँ उपमेय तथा उपमान में आरोप की बात की जाती है, यानी कि आरोप सिद्ध होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अंबर पनघट में डुबो रही ऊषा घट तारा नगरी, अब यहाँ पर देखिएगा अंबर रूपी यानी कि आकाश रूपी पनघट में क्या हो रहा है, ऊषा की किरणें जो हैं डूब रही हैं,
ठीक है, उषा की किरणें यानी कि यहाँ पर डूब रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अंबर और पनघट के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर घट और तारा के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर आप इतना ही याद रखेंगे कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आप रूपक अलंकार को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा रूपक अलंकार में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में दोस्तों उपमेय और उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों अभी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा मैंने बताई थी कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, सोहत ओढ़े पीट पत श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शील पर आतव पर्यो प्रभात। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि देखिए सोहत ओढ़े पीत पत, अब पीत पत का मतलब होता है कि पीतांबर, अब ओढ़े का मतलब क्या हुआ? धारण किए हुए। ओढ़े का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीट पत, या ओढ़े का मतलब होता है धारण करना, ओढ़ना, पीट पत यानी कि पीतांबर, ठीक है, श्याम सलोने गात, ठीक है, श्याम यानी कि कृष्ण जी उसको धारण किए हुए हैं, मनो नीलमणि शील पर यानी कि नीलमणि शील पर, नीलमणि यानी कि नीलमणि पर्वत पर वो क्या किए हैं? उषा की किरणों का आनंद लेने के लिए बैठ गए हैं। देखिए पीतांबर धारण कर श्याम जी यानी कि कृष्ण जी क्या किए हैं? नीलमणि पर्वत पर सूर्य की यानी कि प्रभात की उषा की पहली किरण को देखने के लिए, उसका आनंद कर लेने के लिए वो नीलमणि पर्वत पर जाकर के बैठ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि श्याम जी बैठे होंगे, ठीक है, अब ठीक है बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है? संभावना की जा रही है, संभावना कि पीठ पथ श्याम सलोने गात, पीतांबर वस्त्र धारण करके श्याम जी यानी कि कृष्ण जी नीलमणि पर्वत पर उषा की किरण को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए पर्वत पर जा करके बैठ गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसा कि अगर मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आ गया, आपको परिभाषा नहीं याद हो पा रही है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है, उपमेय और उपमान में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब अलंकार की बात होती है तो उपमेय, उपमान, उपमा ये तो कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है। तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उपमेय, उपमान, उपमा इस सब की पर उसको नहीं समझ पाते हैं, या किसी तरीके से समझ भी जाते हैं तो दो चार दिनों में भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो वीडियो तैयार किया जा गया है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इन समस्या को दूर करते हुए आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कैसे आप इसको पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु आदि। दोस्तों याद रखिएगा जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु आदि, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं, इनका प्रयोग करना मस्ट होता है। अब देखिए जैसे एक दूसरा एग्जांपल कह दें, दूसरा एग्जांपल अगर बात कर दी जाए तो सो तुम जानहु, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी,
मनोरथ स्वामी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जानहु शब्द आ गया, जानहु शब्द आ गया ना। तो अब इस जानहु शब्द के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस वाक्य में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे, जनु जानो मनु मानो जानहु मानो। जैसे पहले एग्जांपल में यहाँ पर देखिए मानो शब्द आ गया, तो मानो शब्द आ जाने के कारण इस वाक्य में कौन सा एग्जांपल हो, कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरे में जानहु शब्द आ गया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तीसरा एग्जाम्पल जैसे आपको पूछा जाए कि मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें देखिए मानो शब्द आ गया, तो मानो शब्द आ जाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो आप परिभाषा आपको नहीं भी याद होती है तो कोई बात नहीं, केवल आप इन वर्डों को याद रखिएगा कि ऐसे वर्ड अगर बीच में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जनु जानो मनु मानो जानहु मानहु आदि शब्द के आ जाने से उस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जिस दोस्तों आप चैनल को लाइक करेंगे तो आपके लाइक करने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आप लाइक करेंगे तो जितना अधिक आप लोग लाइक करेंगे उतना अधिक नए एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए वीडियोस के साथ हम आपके सामने होंगे और आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपको बताते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में दोस्तों क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार में बात होती है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। इतना याद रखना कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को उकसाते हो तो कैसे उकसाते हो, उसकी झूठी तारीफ करके, ठीक है, तो वह आपके बहकावे में आ जाता है। या जैसे गांव में आपने सुना होगा, घरों में सुना होगा, लोग कहते हैं क्यों राई का पहाड़ कर रहे हो, तो राई का पहाड़ करने का मतलब क्यों छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हो। तो जहां पर ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की झूठी प्रशंसा करने के लिए बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए अतिशयोक्ति अलंकार की, तो अतिशयोक्ति अलंकार की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जांपल आपके सामने लिखा गया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। भाव समझिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। देखिए यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। सबको पता है कि हनुमान जी लंका गए थे और हनुमान जी की पूंछ पे आग लगने के पश्चात हनुमान जी ने लंका को जलाया था, लेकिन उसी बात को देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान के पूंछ में आग लग नहीं पाई थी कि लंका सारी जल गई। देखिए कहते हैं ना राई का पहाड़ करना, बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूंछ में आग लग नहीं पाई और लंका सारी जल गई। आग लगने की तो बात दूर है, लंका सारी जल गई और निशाचर वहाँ के सारे भाग गए। तो यहाँ पर छोटी सी बात को कितना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। तो जब ऐसी पंक्ति आपको देखने को मिले तब आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आप समझिए कि अतिशयोक्ति अलंकार को कैसे पहचानेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार को कैसे पहचानेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, पेश करते हैं, या अर्थात अर्थात अर्थात
अर्थात झूठी तारीफ, झूठी तारीफ की जाती है, की जाती है, झूठी तारीफ की जाती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि अतिशयोक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु की झूठी प्रशंसा के लिए, मतलब वाह वाही लेने के लिए, मतलब जैसे अगर आपकी झूठी तारीफ की जाए तो आपको लगेगा वाकई मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, झूठी प्रशंसा मेरी हो रही है, झूठी प्रशंसा आपकी की जा रही है, और उसी झूठी प्रशंसा में आप इतने उत्सुक हो गए, इतने उत्सुक हो गए कि आप अपना अच्छा बुरा भला सब भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए झूठी प्रशंसा की जाती है, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। आई होप कि आपको अतिशयोक्ति अलंकार भी समझ में आ गया होगा, अतिशयोक्ति अलंकार अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार में किस बातों का वर्णन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार में क्या होता है दोस्तों, विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य होता है, बिन कारण कुछ नहीं होता, कार्य अपने आप हो जाता है, कारण का कुछ पता नहीं होता। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि आप पढ़ क्यों रहे हो, आपके पढ़ने का रीज़न क्या है, क्या कारण है, तो आप बताएंगे कि मेरे पढ़ने का कारण है लाइफ में सक्सेस होना, अपने घर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, तो कारण है। परंतु यहाँ पर कोई कारण नहीं होता और कार्य अपने आप हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति बने, ऐसी सिचुएशन आए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो विभावना अलंकार देखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल की बात करते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। डिफिनेशन मैंने आपको बताई कि बिना किसी कारण के कार्य होते हैं, कार्य का कोई पता नहीं होता, कारण का कोई पता नहीं होता, कार्य क्या है, हम किस मकसद से किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, इसका कोई पता नहीं होता, लेकिन कार्य अपने आप संपादित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप से पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। आप नहीं पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कार्य नहीं है, कारण नहीं है, लेकिन कार्य पूरा हो रहा है। बिनु पग चलई, बिना पैर के चल रहा है, लंगड़ा व्यक्ति बिना पैर के चल रहा है। सुनई बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है, यानी कि जो कर्णेन बधिरा, जो कान से व्यक्ति बहिर है वो बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, यानी कि बिना हाथ के कार्य भी कर रहा है। अब बताइए यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कार्य कर रहा है। करें विधि नाना, इस प्रकार से उसका कार्य पूरा हो जा रहा है। तो आप बताइएगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के जब कार्य बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना कान के क्रियाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर अब आप बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, विभावना अलंकार है। ठीक है, अब बताते हैं कि कैसे आप इसको पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन विभावना अलंकार है। तो विभावना अलंकार में इतना याद रखिएगा कि बिना कारण के, बिना कारण के कार्य होते हैं, कार्य होते हैं, बिना कारण के कार्य होते हैं, मतलब कारण का कोई पता नहीं होता और कार्य होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जब आएगा तो आप बताएंगे कि कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार, यानी कि कारण नहीं होगा, कारण नहीं होगा और कार्य संपादित होते चले जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको विभावना अलंकार भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। आपको एक एक कण, एक एक टॉपिक तोड़ करके समझाया जा रहा है, एक एक टॉपिक तोड़ करके बताया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, या इसके पहले जो भी अलंकार आपको पढ़ाया गया आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, भ्रांतिमान में अलंकार क्या होता है दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में भ्रम हो,
जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, भ्रांतिमान, भ्रांति का मतलब भ्रम, नाम से ही पता चल गया आपको भ्रम। तो भ्रम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी ना किसी वस्तु में तो भ्रम होगा, किसी ना किसी वस्तु में तो भ्रम होगा। और भ्रम कैसे होगा, अगर भ्रम की बात कही जा रही है तो भ्रम कैसे होगा दोस्तों, सिंपल सी बात कि जब कोई समान वस्तु होगी, जैसे दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और दोनों समान हैं, सदृश हैं, एक समान दिखाई दे रही, सदृश हैं यानी कि एक समान दिखाई दे रही हैं, और आप बिना उन वस्तुओं का अवलोकन किए हुए आप दूसरी वस्तु लेकर चले गए या पहली वस्तु लेकर चले गए, आप ले लिए, आपको चाहिए थी दूसरी वस्तु, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, भ्रम की स्थिति हो जाएगी। मतलब कैसे लें, जैसे आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा रामचरितमानस पाठ देखा होगा, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था, तो शक्ति बाण मारने के बाद जब हनुमान जी लंग गए थे संजीवनी बूटी लाने पर्वत पर, तो वहाँ पर उनको भ्रम हो गया था कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो संजीवनी बूटी लेने के लिए जब वहाँ पर गए तो उनको ये पता नहीं था कि इसमें कौन सी संजीवनी बूटी है, हम किसको लेके जाएं। तो उन्होंने उस स्थिति पर क्या किया था, पूरा पर्वत सहित उठा लिया था हाथ में कि हम बार बार आएंगे जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम पूरा पर्वत ही उठा के ले चलें। तो वहाँ पर जब उनको भ्रम की स्थिति हुई थी, तो भ्रम की स्थिति होने के कारण वो पूरा पर्वत लेके चले गए। तो उनको भ्रम किस में आया था, उनको भ्रम संजीवनी बूटी में आया था कि कौन सी संजीवनी बूटी है। यानी कि जब आपको पता ना हो, भ्रम कब होता है, जब आपको वस्तु के विषय में पता ना हो। जैसे आप कोई, मान लीजिए आपको बाइक चलानी नहीं आती और आप शुरू शुरू में बाइक चलाना स्टार्ट करें, तो जब तक उसमें आपकी हैबिट नहीं बन जाती तब तक आपको ये भ्रम रहता है कि गियर आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, ठीक है, क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भ्रम होता है, यानी कि सदृश होने के कारण उपमेय और उपमान में जब भ्रम की स्थिति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। तो भ्रांतिमान अलंकार को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, भ्रांतिमान अलंकार परिभाषा आपको बताई थी मैंने, सदृश कारण उपमेय और उपमान की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। उपमेय सदृश कारण उपमेय और उपमान में भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, सदृश के कारण उपमेय और उपमान में भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए जगह, जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, नाक की मोती अधर की कांति से, ठीक है, नाक की मोती यानी कि नाक की जो मोती है, नाक की जो मोती है और अधर की कांति से, यानी कि उसकी अधर होठों की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो यहाँ पर देखिएगा जैसा कि, अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप किसी अलंकार की बात करें और यदि उस अलंकार एग्जांपल में अलंकार का नाम आ गया है तो पहली बात तो आप समझ जाइएगा कि उस अलंकार में वही अलंकार है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, भ्रांतिमान अलंकार की बात की जाए दोस्तों, तो भ्रांतिमान अलंकार पहले एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पर भ्रांति नाम आ गया, तो भ्रांति नाम आ जाने से अब आप सीधे समझ जाइए कि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है, आप सीधे समझ जाइए कि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल के एग्जांपल में आपको जो एग्जांपल दिया जा रहा है उस एग्जांपल में अलंकार का नाम नहीं है, तब आप कैसे देखेंगे, तब आप उसका भाव समझिए, तब आप उसको समझ सकते हैं। नाक की मोती अधर की कांति से, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है नाक की जो मोती है यानी कि और अधर की जो कांति है, होठों की जो कांति है यानी कि नाक की मोती की चमक और होठों की कांति से, अब यह समझ में नहीं आ पा रहा है, मतलब यह समझ नहीं पाया जा रहा है कि ये जो चमक आ रही है ये नाक की मोती से आ रही है, ठीक है, या अधर की कांति से आ रही है, इसमें कैसा एक कैसी चमक आ रही है, मतलब जब यह चमक की स्थिति यानी कि चमक जो चमक आ रही है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है ना कि जो चमक की बात कही जा रही है, दानिम चमक की बात कही जा रही है, उस चमक की बात यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं है कि यहाँ पर कैसी चमक है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा देखिए कहा जा रहा है दोस्तों, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है।
तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पहले एग्जाम्पल में भ्रांति आ गया तो आप समझ बता दिए कि भ्रांतिमान अलंकार है या नहीं है, तो आप उसका भाव समझ लिए कि नाक की जो मोती की चमक है, अधर की जो कांति है, यानी कि उसकी जो मोती की चमक से है, मतलब यह समझ में नहीं आप आया जा रहा है कि जो मोती की चमक है, मोती जो चमक आ रही है मोती की चमक है या किसी अन्य की चमक है, तो यहाँ पर चमक स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है कि चमक कैसी है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा देखिएगा दोस्तों, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अब देखिएगा इसमें देखिए कहा जा रहा है देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। दोस्तों ये उस समय की पंक्ति है जब रामचंद्र जी का विवाह हो रहा था जानकी जी के साथ, सीता जी के साथ, जनकपुर के राजा की कन्या यानी कि जो सीता जी थी उनकी जब शादी हो रही थी रामचंद्र जी के साथ, तो उस समय लक्ष्मण जी क्या थे, लक्ष्मण जी अपने मित्रों के साथ जो है बगीचे की तरफ गए हुए थे। तो उस समय सीता जी की जो छोटी बहन थी उनको देख करके लक्ष्मण जी मोहित हो गए और मोहित होने के बाद अब लक्ष्मण जी जब उनको देख करके मोहित हो गए तो अचंभित होकर के ऐसे मतलब एक स्तंभ की भांति उनको देख रहे हैं। और जब उधर से उनकी सीता जी की जो सिस्टर थी उनकी जब नज़र लक्ष्मण जी पर पड़ी तो भी इनके गुण को देख करके, इनके रूप को देख करके, इनके शील को देख करके वो भी इन पर मोहित हो गई और इनको देख रही थी। तो इनके लक्ष्मण जी के जो मित्र थे, लक्ष्मण जी के जो मित्र थे, ये अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनको देख रहे हैं या वो इनको देख रही हैं। और उनकी सहेली जो थी वो यह समझ नहीं पा रही थी कि ये इनको देख रही हैं या ये उनको देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी वो लक्ष्मण जी को देख रही हैं या लक्ष्मण जी उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर तोते की भांति, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुख, सुख का मतलब होता है तोता, तो तोते की भांति मौन होकर एक दूसरे को टकाटक देखे जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के साथ जो थे वह भ्रम में थे कि लक्ष्मण जी उनको देख रहे हैं या उनकी सीता जी की सिस्टर जो थी उनकी जो सहेलियाँ थी वो भ्रम में थी कि ये उनको देख रही हैं। तो यहाँ पर जो भ्रम की स्थिति हो बात कही जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। यानी कि जहाँ पर भ्रम की स्थिति हो, भ्रम की स्थिति होने पर वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आप इस को कैसे पहचानेंगे भ्रांतिमान अलंकार में, भ्रांतिमान अलंकार की अगर दोस्तों पहचानने की बात कही जाए तो भ्रांतिमान अलंकार को आप पहचानेंगे कि सदैव भ्रम होगा। क्या कहेंगे आप, सदैव भ्रम होगा।